मैं धन्यवाद करता सरपंच जगवीर दसोही, वारिस पंजाब के प्रधान हरनेक सिंह फौजी वीर भाई, सत श्री अकाल जी सारे। पर अज यार सच्चे कुछ बोलन है नहीं यार। वीडियो देखो बस तुसी। शराब लोगों ने और शब्दी मटे दिते, सो अज मैं उन्होंने लोगों को कहूंगा कि लाइव के राही देख लो कि दीप सिद्धू लोगों के दिलों के विच वस गया है। मकसद साहब तो काफी मुराद जी वारिस पंजाब दी जथेबंदी के प्रधान और वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। 15 फरवरी 2022 ये वो शाम, वो कदे ना भुल्लण वाली शाम। एक फोन आंदा भी थोड़ी कार का एक्सीडेंट हो गया जी, तुसी कितनी देर से पहुंच जाओगे? ना जगह पता ना ये पता होया की आ। ये वो समा सी जदों कल्ले फोन कॉल ने सारी जिंदगी बदल के रखी। भाई दीप जो कि हमेशा एक बड़े भरा की तरह ते एक प्यो की तरह मैंने हर समय गाइड करता, हर समय नसीहत दिंदा। जे आपां कहिए भी जे कुछ भी सारी जिंदगी दीप के आसे पासे घूमदी सी ते उसने भी एक बड़े भरा की तरह एक प्यो की तरह मैंने कदे भी किसी जिम्मेवारी का किसी भी जिम्मेवारी ना तो पैन दिता ना उस मैनू महसूस कर दिता। जे कोई भी औकड़ आती सी, कोई घर का काम होंदा सी जां साडा जिहड़ा बिजनेस सी फिल्म का काम होंदा सी, जे उस कोई मुसीबत आती सी तो भाई बहुत ही सौखे तरीके नाल उहदा हल कर दिंदे सी। ते यह शाम एक फोन कॉल ने सारी जिंदगी बदल के रख दित्ती। कोई समझ ना लगे भी हम की करिए किधर नूं जाइए। उस तो बाद जिवें लाइफ ने टर्न लिया, जिवें लाइफ चेंज हो वो सारी थोड़े सामने है भी वो दीप सी जिन्हें अपना सारा कुछ छड़ के पंथ खातर पंजाब खातर शंभू का मोर्चा ला के सड़कों पर कैंट ला के बैठ सारा अपना ऐशो आराम करके आज इतने गेट साहब भी बैठे हैं। मोदी जी भाई फिल्म का एक डायलॉग सीधा भी भजन वाले को धरती चाहिए, उड़न वाले को एहसास होया कि ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं सी, ये भाई दी सारी जिंदगी सी। भाई दा गर्व सी अपने कौम प्रति, अपने पंथ प्रति। भाई कहता सीगा कि आपां नूं स्पेस नहीं छड्डनी। ये सारा उस डायलॉग दे विच इसदा जिक्र है। जे इहनूं आपां डूंघे होके देखीए तां यह डायलॉग ही ओहदी जिंदगी दा आधार सीगा। जिवें भाई दीप कहता सी आपां स्पेस नहीं छड्डनी, किसी भी हालत च कोई भी मिल जाए, जिथे भी मिल जाए आपां ओह ले लैणी है। ते स्पेस अपने पंथ नूं बचाउण लई, अपने पंजाब नूं बचाउण लई उस बाई दे शब्दां ते चलदे होए अज इत्थे जिहड़ा बाई दे नाम ते मैमोरीअल बनाउण जा रहे हैं। IAS PCS DC UPSC एग्जाम की तैयारी ये असीं ओह स्पेस फिल करन दी कोशिश कर रहे हैं जो असी खाली छड्ड बैठे हैं। जे आपां गल करिए 15-20 साल पहले तो अपने जेड़े पंजाब दे वो चौधरी ते बैठे सी, अपने पंजाबी अफसर बैठे हुंदे सी। हरियाणा तक दिल्ली तक अपने पंजाबी अफसर उपरलियां पोस्टां ते बैठे हुंदे सी। पर अज दा जो समा हो गया है भी पंजाबी अपने ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਾਈਡੀ ਯਾਦ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। सारे पंजाब तो सारिया मेरी मावा तो भैन तो भरावां तो असीं ये आस करते हैं कि तुसीं साडे नाल खड़ोगे। ते आपां जो बाइकरी याद रखे मैमोरीअल बनाउण जा रहे हैं उस विच वक्त चौकी हिस्सा पाओगे। ये मेरा कहने का फर्ज नहीं है, ये सारे पंजाब का सारे पंथ का फर्ज है। भाई जी मैं होर गल करदा हुंदा सी कि आपां वापसीआं मनाउण जुड़े हैं। इस समारोह एक वापसी का रूप नहीं दिता गया, ये मैमोरियल का नहीं रखा गया। एक अपना स्टेप अपन इकट्ठे होगा, अपन एकजुट होगा, अपने को जरिया दिता गया है। भाई की सोच के हिसाब के नाल ही एक जरिया आप बनाया भी आप लॉले पॉइंट पर अपन गल करनी संविधान दे जेड़ा अपना ओ संविधान जिन्हों अपन कहने का आमदा पर उस दे हिसाब नाल अपन कदे अपने हक नहीं मिले। अपन अपने हक लैण लई भी तैयार होण नूं अपन कुछ ना कुछ करना पैना, अपन हर पक्ष तो तैयार होना पैना है। जे अपन बाइक नीति अगे करना चाहुंदे तां बाइक टेबल टॉप दी गल करना हुंदा है। टेबल टॉक करने लई भी आपां नूं नॉलेज दी लोड़ आ। ये आपां अपने पंजाब नूं अपने पंथ नूं गुमराह ना करिए भी कल्ली सानूं शास्त्र विद्या दी लोड़ आ जी असीं इहदे नाल सारा कुछ हल कर लांगे। अज दे युग विच जे आपां हल करना तां आपां नूं बराबर रख के सारियां चीज़ां चलणीਆਂ पैणगीਆਂ। इह गल भी तो आपां पासा नहीं कर सकदे भी गुरु महाराज ने आपां नूं अपने शास्त्र बख्शे आ, आपां नूं गुरु महाराज ने शास्त्र बख्शे आ। पर समय के नाल भी बदलना पैदा। गुरु साहब ने अपनी बाणी भी बख्शी आ तो वो बाणी आ, बाणी का भी अगर आप संकेत करिए भी वो अपन ग्रहण करनी चाहिए, अपन उसके नाल जुड़ना चाहिए। कि आप बाणी नाल जुड़ांगे, आप जुड़ांगे अपने बच्चों को जोड़ांगे तो बाणी अपन हर मुसीबत चों काढदी आ, हर एक चीज़ का अपन राह दिंदी आ। तो मैं यही आस करदा भी जिन्हें एक साथ सारे जिन्हें आज बाइक मैमोरियल जिन्होंने अपना ऐशो आराम छड़ के अपना सब कुछ छड़ के अपनी कौम पीछे अपने पाक पीछे अपने पंजाब पीछे आपा वार किया। उस तो अलावा अपना भी कोई फर्ज बनता जे वो 15 तरीक शाम का एक फोन कॉल मेरी जिंदगी बदल सकता। ते आपा ये बुलारा मार के भी आपा पंथ नाल अपने पंजाब नाल सारे जोड़ के ते आपा पंजाब दी ते पंथ दी अगाह बदू सोच में लेके चलिए। आप पंजाब की तरक्की वाल चलिए जे आप तगड़े होवांगे इकट्ठे होवांगे ताही किसी ने उसका पाठ करना है, ताही अपनी होम रहना अपनी होम की गल भी आपन को आप ही करनी पड़नी है। किसी ने आके आपन अपनी होम नहीं पढ़ानी है, आप अपनी होम में पढ़ लो वो सामने भी आपन पढ़नी है। अपने कोई खालसा फौजा भी हर टाइम तैयार है, अपने कोले अपनी पूरी बाणी भी हर टाइम तैयार है, अपने कोले सारा गोशा व सभा पाठ के रखते हैं। आपा अपने जेड़े लीडर बनाए आ उन्हां नूं एकजुट करन दी लोड़ आ, उन्हां नूं एक टीका दिखाउण दी लोड़ आ। आपा पंजाब दे लोग आपा सारे एक वारी अपना मीच के तौर पे भी खांदी आ चीज सही होनी आ फिर वो चीज जो आपने पे असर होता जाओ आपन खमयाजा वो करना पैदा हो गया होगा पीआरए का फेर पड़ना आ रहा है। हुण की करिए करके यही कहना भी आप एक सेध लीए तो जी एक स्पेस आप छड़ बैठे हैं अपने पंथ वास्ते अपने पंजाब वास्ते अपनी धर्मी होगी ये अपना एकजुट होना पौधा अपनी नॉलेज की भी लोड़ है। तो ये आप सारे इतने जो आप बैठे हैं तो आप अपने बच्चों को अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी लोग पढ़ाई नाल भी जोड़ो गुरु नाल भी जोड़ो। ये अपना फर्ज है कि आप नहीं जोड़ेंगे तो किसी ने बगाने नहीं जोड़ के देंगे। जेड़ी चीज बच्चा अपनी मां की कुखों सीख के आ जाता है, जेड़ी मां छोटे बच्चों को वो गुरु के लाल लाती है वो सारी उम्र याद रहता है। ये नहीं जरूरी कि आप बड़े होकर सीख लांगे जी जो टाइम हो उसी सीख लांगे। आपको अपने बच्चों ऊपर बैठा भी देखता हूं जेड़ी गल्ला मैं करके गया ओते क्राउड भरेगा ते क्राउड भज गए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जयकारे बजाओ निहाल हो जाओ सत श्री अकाल। पंजाब दे एक बहुत नामी पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू जिन्होंने स्टेट की सलाह के नाल मौत के घाट उतारिया गया उन्होंने पिता जी आए ने जी आया कहने जिन्होंने भाई बलविंदर सिंह जटाणे होना की बात पाई जिन्होंने पाणिया की बात पाई उस गायक जिहड़ा जिन्हें पंजाब दे हक गल कर बहुत ही सत्कारयोग जथेदार बाबा जोगिंदर सिंह जी 96 करोड़ी बुढ़ा दाला दमदमा साहब राघवा वह पहुंचे ने जथे समेत धन्यवाद। संतोख सिंह जी यूएसए तो सरदार सुखदेव सिंह जी साथी भाई दीप सिद्धू दे जो जेल में सन पहुंचे ने धन्यवाद। रुपिंदर सिंह लोक कौमी योद्धे सरदार संदीप सिंह सिद्धू जिसनों अक्सर असीं दीप सिद्धू के नाम के नाल जानते हैं ओदी याद दे विच जुड़े बैठे मौजूद हाजरीन आओ सब तो पहला गुरदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए सतकार सहित आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हैप्पी भट्टी जी आए ने धन्यवाद। सरदार गुरमीत सिंह जी सिद्धू भोगपुर साथी वीर सिद्धू के नौजवान किसान वीर शहीदा दे जत्थे पहुंचे ने बहुत बहुत धन्यवाद। जतिंदर सिंह न्यूजीलैंड परिवार समेत जत्थे लगे ने धन्यवाद। दिल्ली मोर्चे ने जत्थे भाई वीर सिद्धू रोकना सी बेबे दी रसोई जड़ी सारे जानते ने उथों भाई रणजीत सिंह सोनू जी पै जांदा है फिकर उदों फिर झूठ दे डेरियां नूं कंध जुल्म दे किले दी जिन्ना तोड़ी हुंदी है सूर में आधी जिंदगी जग ते थोड़ी हुंदी है सूर में आधी जिंदगी जगते ओ जिना जिना ने हक लैन लई लोग जगाए सी बाकी कह के सरकारां ने मार मुकाए सी सच्ची गल हमेशा हक तो कौड़ी हुंदी है सूर में आधी जिंदगी जगते थोड़ी हुंदी है सूर में आधी जिंदगी ऊधम सिंह सरदार ने देश दा कर्जा ला दिता लंदन दे विच जाके वैरी पार बुला देता लंदन दे विच जाके वैरी पार बुला देता दूनी भाजी दुश्मन नूं जिन्ना मोड़ी हुंदी है ओ सूर में आधी जिंदगी जगते थोड़ी हुंदी है सूर में आधी जिंदगी जगते थोड़ी हुंदी है। शहीद होने वाले नवरीत सिंह दे दादा जी बापू हरदीप सिंह निमनेवा आए ने उन्होंने भी शालरा गुरु साहब ने ला देना है जदों 26 जनवरी लाल किले ते केसरी निशान साहब चलाता सी जेड़े कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच बैठे ने ये सारे 26 जनवरी दीप सिद्धू दे नाल भी खड़े सी और डट के खड़े सी और परिवार दे नाल भी खड़े हैं। एक गल है बड़ियां भरम फैलाए जांदे ने बड़ियां गल्लां कहियां जांदियां ने कि दीप सिद्धू नाल जी लेकिन दीप सिद्धू नाल जो प्यार सी वो सिर्फ ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पता है उहदे तोरे होए रस्तियां ते डट के तुर रहे हैं हिक्का तान के तुर रहे हैं और जद तक खालसा राज की गल जिन्ना चेर जिंदियां करदे रहांगे लेकिन अमित शाह दीयां धमकियां तो डरने वाले नहीं जे साडा वीर नरेंद्र मोदी अमित शाह और मोहन भागवत उन्होंने धमकियों से नहीं ना डरिया तो ये थोड़े संगत की वादा करते हैं कि उहदे दिखाए हुए रास्ते पर चलांगे फिर अमित शाह नहीं मोहन भागवत नहीं कदे सानू डरा नहीं सकते डट के दीप सिद्धू दे नाल सी हिक तान के परिवार दे भी नाल है लेकिन एक जरूर है कि बहुतियां गल्लां नहीं गोल मोल दियां करनियां हुंदियां ना ड्रामेबाजी जिक करनी आती है जदों दीप सिद्धू लोड़ सी 26 जनवरी तो बाद उहदे नाल भी हिक डा के खड़े सी जब जब परिवार नूं लोड़ पऊगी परिवार लई भी हिक डा के खड़ांगे और सदा ही खड़े रहांगे कदे कदे भीड़ां देख के जब चढ़ाई देख के बदलण वालियां नस्लां नहीं हैगी एक गल का भरोसा परिवार में दबाने हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी में दबाने हैं कि चाचा जी वीर मनदीप सिंह कदे अद्धी रात हाथ मार के देखियो तुहाडे नाल खड़ांगे और हमेशा खड़े हैं तो हमेशा ही खड़े रहांगे। सिंह साहब भाई जगतार सिंह हवारे दे धर्म पिता बापू गुरचरण सिंह जी हुण पहुंचे ने बुजुर्ग जिन्हें इस उम्र दे पंजाब सरकार नूं और इंडियन स्टेट नूं चैलेंज करता और बाबा दीप सिंह उन्हां दी याद ताजा करा दित्ती उन्हां दी आमद ते एक जकारा लाउण लगे हैं ओह जकारा भाई साहब भाई जगतार सिंह हवारे दी और बंदी सिंघां दी चढ़दी कला लई है ओहदा जवाब इस तरह दिओ कि ये जकारे की आवाज अमित शाह के कन्ना तक जानी चाहिए है कि खालसा पंथ में तू डराना चाहना है। दुनिया से कोई जम्मिया नहीं जरा खालसा पंथ में डरा लूगा। अमित शाह बोले बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते जेड़ा मोर्चा खालसा पंथ ने चंडीगढ़ दियां ब्रूहां दे विच लाया, तुहानू एक बेनती करदे आ कि जे दीप सिद्धू नूं और संतां नूं प्यार करदे हो यार उहदे विच शमूलियत भी करो। आके देखो जिवें दीप भाई कहदा हुंदा सीगा कला वरत रही है, उत्थे कला वरत रही है, उत्थे दीप भी हाजिर है, उत्थे साडे शहीद भी हाजिर ने ते उहनां साडे ਸਿੰਘਾਂ नूं भाई जगतार सिंह हवारे उन्होंने, भाई जगतार सिंह तारे उन्होंने, भाई परमजीत सिंह प्योरे उन्होंने और उन्होंने जोड़े होर 9-10 बंदी सिंह ने। जे अपना हुण हा दा नारा मारिया ना ना फिर बाद विच कोई फायदा नहीं। एक गलतियां खालसा पंथ बार बार करता है। एक कौम की त्रासदी रही है कि जून 1984 के विच आपां संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दा साथ नहीं सी दित्ता तां आपां अजे मोर्चियां 'च बैठे हैं। इसे तरह 26 जनवरी नूं जदों दीप सिद्धू होणां ने लाल किले ते केसरी निशान साहिब चलाया, उस वेले भी खालसा पंथ ने सिख कौम ने साडे वीर दा साथ नहीं सी दिता। जे साथ उस वेले दिता हुंदा तां अज आपां नूं फिर दुबारा मोर्चियां 'च बैठण दी लोड़ नहीं सीगी। उस वेले बड़ी संगत नूं इह कहंदे रहे कि आओ आपां संघर्ष करिए, लेकिन उस वेले साडीआं जथेबंदियां दीप सिद्धू ते टैग लाउंदियां रहियां गदारी दा। लेकिन दीप सिद्धू एक गल कहना हुंदा सी, अकाल पुरख वाहिगुरू ने सब साफ कर देना है, करता ना साफ। होर भी करके देखते जाओ आने वाले दिनों के विच जिहड़े बदल पंथ के सामने छाए हुए ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने वो सारे साफ कर देने ने। दीप नूं गदार कहण वाले, दीप नूं बीजेपी RSS दा एजेंट कहण वाले आप दारू दे पेगां ते बिके बैठे सी। अज यही कह रहे ने, असीं तां कुछ नहीं ना कह रहे। दीप पंथ नूं समर्पित सी, पंजाब नूं समर्पित सी। उन्होंने अज कौम ने किथे बिठाता, पंथ ने किथे बिठाता, उन्होंने तो आप दा पुत एक्सेप्ट कर लिया। इन्हां दे अज जुत्तियां बज रही ने, मोर्चियां च जाण जोगे भी नहीं। जे मोर्चियां च जांदे ने तां उत्थे पंजाब दी नौजवानी घेर रही है, फिर जुत्तियां तो डरदे कई बड़े बड़े दिग्गज पिछले पासे च भजदे ने। इह सच है, सच ने हमेशा सच रहना है। आने वाले समय दे विच भी तुसीं देखिओ कि पंजाब दे विच जिहड़ी गल संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले करदे हुंदे सी, जिहड़ी गल दीप सिद्धू करदा हुंदा सी कि जिन्ना चेर पंजाब, जिन्ना चेर खालसा पंथ एक पंजाब पक्षी सियासत खड़ी नहीं करदा उन्ना चेर मत समझिओ कि आपां नूं अपने हक मिलणगे। इहदे वास्ते पंजाब दा नौजवान हुण तैयार है। असीं उत्थे रोज चंडीगढ़ दीआं ब्रूहां ते देख रहे हैं अपनी दीप दी बनाई हुई जथेबंदी। बापू जी बैठे ने, पूछ सकते हो ये दीप दा प्यार सत्कार है कि सारियां कमेटियां दे विच अपनी जथेबंदी दे नौजवान बापू जी उन्होंने पाए ने ते हर सलाह बापू जी उन्हें पुछ के करते हैं ते दीप दियां जिहड़ियां गल्लां ने सांझां ने वो भी करनगे। कल मैं बापू जी नूं बेनती करके आया सी कि मोर्चे दी स्टेज उत्तों ये बेनती करियो कि दीप सिद्धू दी बरसी है उत्थे पहुंचिओ ते मैं बापू जी नूं निजी तौर ते बेनती करके आया सी कि तुसीं चाहे 5 मिनट लई आइओ। मोर्चे के कन्वीनर ने मोर्चे नूं चला रहे हैं, वो आए ने, उन्होंने जी आया जी। तो मैं बेनती भी करूँगा प्रबंधकों नूं कि उन्होंने हुणे जिहड़े उन्होंने टाइम लाना दवा दिओ क्योंकि मोर्चा भी खाली नहीं छड्डिया जा सकता। खालसा पंथ आपदा आखिरी मोर्चा लड़ रहा है, ये गल याद रखियो। बाबा जी उन्होंने बड़ा मोर्चे दे विच सपोर्ट कीती ते सानू संगत ने और बाबा जी उन्होंने पक्के घर पा के दिते। बाबा जी का भी मोर्चे वालों साडे सारियां वालों बहुत बहुत धन्नवाद। जिन्ने तुसी वीर दीप सिद्धू नू प्यार करदे हो, दीप सिद्धू दी सोच नू आपां अगे लेके जाना है। पंजाब दे विच पंजाब पक्षी पॉलिटिक्स भी खड़ी करनी है ते खालसा राज दी प्राप्ति तक संघर्ष भी करना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उस कौमी योद्धे दी बरसी ते पहुंचे गुरु रूप खालसा जी। सब तो पहला दास अपने वालों ते जहदार जगतार सिंह हवारा वालों बलाई फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ओ कौमी योद्धा ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ सारी अपनी रही जिंदगी तक भुला नहीं सकता। वो आया की करन सी इत्थे, कोई वजीरी नहीं लेना आया सी, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना आया सी। उस दे अंदर दर्द सी पंजाब दा, जो पंजाब दे हालात सी उहनां नूं बदलण दी कोशिश करन वास्ते आया सी। वो लगातार भावें वह किसानी अंदोलन चलिया, उस हिस्सा पाता रहा, ना कि वह आप किसान सी ना किसानी करता सी, परंतु दर्द सी। एक इंसान होंदा भी अपने वास्ते भी नहीं कर सकता, एक इंसान वह होंदा भी दूजियां दे भले लई वह काम करता जिहड़ी रहिंदी दुनिया तक याद रहे। दीप दे सुभाव दी, दीप दी गलबात दी जे मैं गल करा, अज साडे बंदी सिंघां नूं छडाउण लई, उहनां नूं रिहा कराउण लई ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअबदियां दा इंसाफ लैण लई जो कौमी इंसाफ मोर्चा चंडीगढ़ दी बरूहां ते लग्या 7 जनवरी तो 11 जनवरी 2022 नूं एक बंदी सिंघां दी रिहाई लई रोस मार्च कढिया सी श्री फतेहगढ़ साहब की धरती तो। जदों चंडीगढ़ बैरीगेटां दे पहुंचा उत्थे प्रशासन वालों रोकिया गया। उस तो बाद साडा एक डेपूटेशन गवर्नर नूं मैमोरेंडम देण लई ओह जिहड़े साडे मुद्दे ते उहनां ते इंसाफ लैण लई गया। मैं उस दीप नूं नाल लै गया। मैं दीप की गल करन दा सलीका, ओदी तहजीब, ओदी सियाणप मैं थोड़ा दसनी चाहना भी। वह गवर्नर नूं भी जदों असीं आखिरी गवर्नर नूं मिले, उस तो पहला बहुत बारी तकरीबन 15-20 मिनट प्रशासन नाल गलबात होई। वह गवर्नर नूं मनाउण लई तैयार नहीं सी। वो कहते मैमोरेंडम सानू दे दो, SDM आया मौके पे, परंतु दीप ने वो गलबात की। उन्हें मजबूर सानू 3 मैंबरां नूं अंदर जाण दी आग्या दित्ती ते गवर्नर नूं वो एहसास कराया कि असीं इस देश विच तुसीं सानू गुलाम देखना चाहुंदे हो। जिहड़े कानून बहु गिणती लई अलग ते घट गिणतियां लई अलग, आखिर बहुत लम्मा एक किस्सा। पर गवर्नर नूं यह गल कहनी पई कि जिन्हां दी जेल कस्टडी 25 साल तो उपर बनती है उन्हां दी रिहाई मैं जल्दी करा देनी। ओहदा गल करन दा तरीका सी, परंतु उस तो बाद 16 अप्रैल 2022 में जो दोबारे गवर्नर नाल मीटिंग हुई, उस अपने किए हुए वादे तो मुकर चुकिया। मैं उन्होंने याद कराया गवर्नर साहब जेड़ा साडा डेपुटेशन मिलिया सी उस बाहरली स्टेटां नूं लिजाया जा रहा सी ते पंजाब नूं बंजर करन दियां सरकारां दी नीतियां सी। ओ भाई बलविंदर सिंह जटाणा ने उस नूं रोकिया ते उस नूं सुभदीप मूसेवाले ने जो बयान किया वो एक इतिहास का हिस्सा बन गए। सो सानू आपसी प्यार नाल जो उन्होंने कौम बारे गल्लां कीतियां वो बहुत बड़ी है, खास करके नौजवानों को उस तो सेध लेनी चाहिए है। सो भाई मनदीप सिंह सिद्धू जदों भी कोई जथेदार जगतार सिंह हवारा का सुनेहा आउंदा उसते पैरा दले उस दीप सिद्धू की सोच से चलते हुए मार्गदर्शन बन के हर काम च तैयार रहने। सो मैं तो यही बेनती करदा कि मनदीप सिद्धू का पूरा साथ दिता जाए ताकि असी उस दीप सिद्धू की सोच सी जिहड़ी पंजाब प्रति साडे नौजवानों प्रति साडे समाज प्रति उस नूं असी बूर पा सकीए। सो इन्नियां कुछ समय की कौम के रूबरू होंगे फिर उन्होंने जाना उन्होंने सेहत से लिया। सो होर भी एक दो बुलारे होर ने उन्होंने तो बाद आपां समाप्ति वाल नूं वधांगे जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गोद विच बैठी साध संग जी सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास शुरुआत दे विच बेनती करदा कि मैं कोई कमर्शियल बुलारा नहीं, कोई शब्द की बात घाट रह जाए कमेंटां च लिखण की बजाय दास दे फोन नंबर से समझाने की कोशिश करो तो मैं वादा करता मैं अमल करूँगा। क्योंकि मैनू स्टेज के उत्ते माड़े हालातों ने गाड़िया। मैं जिंदगी बेटा बेशक दुनियावी बहुत बड़ा कलाकार सी पर मैं स्टेज के सामने मैं हमेशा परदे दे विच अपनी जिंदगी नूं जीविया पर मौके दे हालातां ने इहो जे हालात पैदा करते। साध संगत जी तुसीं सारे भली भात जानदे हो आपां दिल्ली दा मोर्चा जित के आए पर तुसीं इह गल भी समझ लिओ सानूं उस मोर्चे दी कीमत बड़ी चुकाउणी पैणी है। क्योंकि हुक्मराना ने भी इस गल का अंदाजा ला लिया भी जेड़ा नौजवान थोड़ा जा भी धौन चक के जीण की कोशिश करता है ओहदा जां तां एक्सीडेंट हो जाता है जां ओह गोलियां नाल छलनी कर दिता जाता है। 2022 इहो जिहा काला वरिया चढ़िया। फरवरी दीप भेंट चढ़ गया, मार्च के संदीप कबड्डी प्लेयर भेंट चढ़ गया और 29 मई मेरे परिवार लिए काला दिन लेके है। ये सिलसिलेवार मौतां हो क्यों रही हैं? साडी तां कदे किसी दे नाल 751 की जवान तक नहीं हुई। क्योंकि वीरो जिहड़ी आवाज़ दीप ने बुलंद की ये तो इन्ना बड़ा कलाकार सी, करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाला सी, इनू की लोड़ पैंदी सी दिल्ली जाके टेंटां दे विच धूहे रगड़ाउण दी। पर बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा अज चंगा बनण दे लई वीरो सानू मरना पैंदा। जदों असीं विचरदे हां समाज दे विच उदों साडे चों लखां कमीआं कढीआं जांदियां ने। ये तिन्ने जवान गए ने सच जानो दुनिया ते जी नहीं लगता। मैनू बड़िया धमकियां दिंदे आ, मैं उन्होंने साफ कर दिना वीरो 29 मई का मरिया होया एक तुरदी फिरदी लाश आ जदों थोड़ा जी करया उदों मार देना। हालात इस तरह के बन गए, कामयाब होना, मशहूर होना गुनाह बन गया। मैं आए ऐतवार नूं सरकार नूं संबोधन हुन्ना, बेनती करदा, बिलकदा भाई 11 महीने हो गए, हुण तां पूरा कर दो सिस्टम, हाले भी चुप। तुसीं एक गल गौर नाल सोचियो, मेरे पुत नूं मारन वास्ते 1.5 करोड़ दे वैपन लग गए, 33 बंदियां दी इन्वॉल्वमेंट आ गई, जेल दे अंदर बंद करते, पर हाले तक मास्टरमाइंड का नहीं पता भी ये काम कराया कि। फिर मैं की समझा भी मेरा किने मारता? मैं तो बिसर कोला होया, घर दे विच इह गल लई बैठा सी भी मेरी तो किसी नाल दुश्मनी नहीं, असीं तो लोगों की सेवा करने वाले पासों चल पे, भी रोटी का जुगाड़ साडे कोल हैगा, कुछ ना कुछ जो आ लीडरां दे विच कमियां आईयां ने यार असीं दूर करने की कोशिश करांगे, पर सानू फिर भी कल्ले नूं लखेड़ के इस तरह मौत मिली। और मौत वो दीप सिद्धू, ये लोग ने जिहड़े बाहरले मुल्कां तों डॉलर लै लै के सरकार दे खजानियां दे विच पाउण लगे। ये कल्ले साडे पुत नहीं सी, ये सरकार दे कमाऊ पुत भी सी। इन्हां दे नाल साडी देश भर दे विच संसार पद्धर दे उत्ते जानण वाले चेहरे सी। इन्हां दे जरिए साडी पग उन्हां मुल्कां तक गई जिथे किते सिर ते पग दा नामो निशान भी नहीं सी। साडी मां बोली पंजाबी नूं कोई जानदा तक नहीं। तीजी पीढ़ी जिहड़े साडे तो 40 साल हो गए एनआरआई विदेशां दे विच बसे ने, उन्हां दे जिहड़े पोते हुण जनरेशन जिहड़ी तीजी उन्हां दी आ गई है जनरेशन, उन्हां नूं फिकर सी कि पंजाबी नाल किवें जोड़िया जाए, क्योंकि बच्चे उन्हां स्कूलां 'च पढ़दे आ, फटाफट इंग्लिश बोलदे आ। मैनू कई परिवार मिलते हैं, कहते एक सिद्धू जरिया मिलिया सी जिन्हें पंजाबी ते अंग्रेजी नूं मिक्स कीता और साडे बच्चे घर दे विच भी पंजाबी संगीत सुणन लगे, पर साडियां नूं कितों बुरा लग गया, साडियां नूं इन्नी नफरत क्यों हो गई? असीं तां कदे कोई इहो जिहा घनौना काम नहीं कीता सी। दिल्ली दा संघर्ष चलिया तां बच्चिआं ने जाके उत्थे जो बार्डर ते योगदान पाया, इत्थे किते भी ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤੇ, ਪਰ ਅਣਗੌਲੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ SYL ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਲਾ ਵੀ ਆਵੇਂਗਾ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ मैं उस समय उन्होंने ना रोकया होंगे, गीत रिलीज हो गया होंगे। गीत एजेंसियों के कोल पहला पहुंच चुकया। बड़ा सोच तू बड़ा होए छोटी नीत वालिया, क्यों पग्गां नाल खैंदा फिरदा तू टोपी वाल। गल्लां कटाक्ष करदियां सी, कलम नहीं रुकनी, नित नवा हुण गाणा आऊ, ना रुके तां फिर बलविंदर शैतान। इन्हां गल्लां करके मेरे पुत्तरा साडा गैंगस्टरां नाल काहदा रौला जी? आ बैठा मुंडा प्रेम इत्थे थोड़े तरन लागे दा सिद्धू दे नाल साईं जग्गू फोन कर दिंदा, सिद्धू का गाना नहीं करना, वो असीं छड्डता। मैं क्या पुत्तरा छड्ड दे, घट खा लग। असीं साइन किया होया मुंडा फ्री किया, फिर उन्हें गाने साडी कंपनी च करने सी, कहना सिद्धू दे नहीं करने, वो गाने तू आपके चैनल पर। असीं कहे भी जिवें कर लो, असीं वो भी छड्डते। किन्ने क समझौते करते, रोज मरन नाल तां वीरो एक वारी मरिया चंगा। मैं जिथे मैनू लगता है भी मैं एक औतन खत्तियां की श्रेणी च शामिल हो गया, कोई गल, पर एक गल का माण भी महसूस होता भी जिन्ना चर जिव्या नीवी तो पाई नहीं, अगे अकाल पुरख की मर्जी। अज दे हालात देख लो, आ मेरे कोले मुंडा खड़ा गैंगस्टरां की एनी हिम्मत होगी कोई नौजवान अपना कारोबार करता है, इस बच्चे का इन्ना कसूर है, ये कोले 5-4 लग्जरी गड्डियां ने, यह बड़िया बड़िया बरातां चुकता और आपका गुजर बसर चंगी करता है। और इन जग्गू साहब का फोन आ गया, कहता हुण तेरे तो पैसे नहीं लेने, तेनों मारांगे। मैं मान साहब को बेनती करदा, सरकार को बेनती करदा, तुसी कहते हो लॉ एंड आर्डर की पोजीशन बड़ी वधिया है, आ मेरे सामने खड़ा है, 6 महीने हो गए FIR कराती, कोई नहीं पूछा। उस तो बाद अफसरां दे पुलिस दे गेड़े कढ़ी जांदा भी मैनू बचा लो। परसों शाम की गल है, 2 बंदे पिस्तौल वाले घरे आ भी गए, इहदी किस्मत चंगी भी है, लेट हो गया अद्धा घंटा, नहीं हुण तक संस्कार हो गया हुंदा। आ हालात साडे पंजाब दे ने। तुसीं भ्रिष्टाचार दे खातर WhatsApp नंबर जारी करता, इहते वीडियो पाओ जो कोई अफसर लैंदा है। ओए आ जिहड़े जेलां दे विच बैठे ने 20-20 लाख रुपया मंगते ने, रिश्वत देवांगे, इंतकाल करा दूंगा, मेरा कोई 100-50 10,000 का काम तो करूँ, अफसर की रिश्वत ले लूँ। आ रिश्वत कितों बंद करिए? इस बंदे ने 8 बंदियां नूं रोजगार दिता होया है, जिहड़े इहदियां गड्डियां ड्राइवर चलाउंदे, 5-7 परिवार इहदे नाल पलदे है, और इहदी पोजीशन ये है, ये लोके बैठा जवाकां नूं नहीं किसी रिश्तेदारी च, और रोज टकाना बदलदा है। आ साडे पंजाब दा किसी टाइम असीं जाणे जांदे सी भाईचारे करके। मैं इनू बड़े दुख ना कहना पै रहा है, जिहड़े बंदे ने असला पहुंचाया बठिंडे मानसा तक, संदीप कालू सिर ते पग बंद है, वो तुसी इहो जिहियां कमाइयां ते लग गए। तू जदों AK-47 रख के मानसा वाल छड्डण तुरिया, तैनू एक बार भी नहीं पता लगे किसी बेदोशे दी जान लैणी है। किहड़े भाईचारे दी गल करिए? एडे असीं पैसे नू लेके कमीने हो गए हैं भी सानू पैसा मिलना चाहिए, चाहे पहाड़ से जाके 10 बच्चे मार देना, अगे जाके सानू कोई मतलब नहीं है। सरकार वीरो कौम दे जिहड़े सिरका दे मुंडे आ, बचा लो। मेरी थोड़े सारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ है, दीप गया, संदीप गया, कलम बागी, खेड बागी, आवाज़ बागी, साडे कोले पिछे रह की गया। मैं कोई लैंड लॉर्ड परिवार चों नहीं वीरो, मेरे कोले केवल 5-6 किले जमीन है घर दी। मैं दिहाड़ियां कर करके बच्चे को BTECH करवाई, असी मियां बीबी ने अद्धी रात तक जिल्दा बनिया किताबां प्राइवेट स्कूल खोल के, फिर जाके BTECH करा के 20 लाख रुपये का इंतजाम बैंकों तो लिमटा करा के मैं कनेडा भेजा, और 2 करोड़ रुपया मैं सरकार के खजाने च पावां, और मेरा बच्चा 100 रुपए दी चप्पलां पा के बाजार घूमदा सी, जिते जानवरां वांगू 35 गोलियां मारियां उसदे विच। किहड़े क्लिनिक दी गल करदे हो? 3 मिनट का रास्ता सी हस्पताल दा, उत्थों मेरा उस हस्पताल दे विच पहुंच नहीं सकिया। आ प्रशासन देओगे तुसीं, भावें लख कहो कैप्टन नूं माड़ा जा, पर फैसले तो ले यार। उन्हें कई बार मैं कहना होना, जिहड़ा गल फौजी ने कही तो कही, आ कोई हल है? हरेक गल पुछण वास्ते सानूं दिल्ली जाना पऊगा। मैं तुहानूं कहना वीरो, तुसीं अपना होश हुआश खो के पंजाब गहने करता दिल्ली कोले, 5 साल पछताओगे। साडे आप दे सी, कुछ करदे कुछ ना करदे लांभा देण जोगे, तां असीं किहदे कोले जाइए? मैं 1-2 बंदे कोले गया, जाके आपकी विपता सुनाई, भाई मेरी मदद करो, मैं 11 महीने हो गए बिलकदे नूं, मेरी गैंगस्टरां दे जिहड़े शूटर ने उन्हां ते आ गल अटकी पई है। 3जे बंदे नूं जदों गल करदे गल उत्थे रुक जांदी, कहंदा जिन्नी गल मैनूं सुनाई है, जे जाके केजरीवाल नूं सुनावे ते सुनवाई होई। भाई मेरी क्यों सुनूंगा दूजी स्टेट का मुख्यमंत्री जदों तुसीं नहीं सुनदे? आ हाल है वीरो, जदों फैसला लैंदे उदों थोड़ा सोच के लिया करो। माफ करना, मेरा थोड़ा साह चल गया। कोई शब्द वध घट कह जाना, कई बार मैं भावुक होके, तो मैं सारी संगत को भी कहता, मैं थोड़ा बच्चा, मैं कदे भी कोई गलत शब्द बोल जा, कई बार मैं कह देना भी मेरा बच्चा संत महापुरुषों वर्गा, कई बार कोई शब्द ऐसे निकल जाए, मेरी मंशा कोई नहीं होंगी किसी ने तुलना करना, मैं अनजान, मैनू समझा दिया करो। पर जो तुम कमेंट के गलत गल लिखते हो, तू इनू बाबा नानक ना बनाओ, मैं तो उन्होंने चरणों की धूड़ भी नहीं। मैं इस तरह की कदे अपने बच्चे किसी धार्मिक व्यक्ति ने तुलना नहीं करता। मैं तो उसकी समाध के लोग मत्था टेकते हैं शरधा नाल आके, मैं उत्थे लिख के भी लाता भी वो गुरु ग्रंथ साहब नूं मानदा सी। जे तुसीं मत्था टेकना है गुरु साहब के शब्द गुरु के चरणों च जाके टेको। ये एक दुनियावी लड़का सी, इहनूं मत्था ना टेको। मैं इत्थों भी नाउं साख करके कहना भी उत्थे मत्था ना टेको, उहदा स्मारक है। मैं उहनूं समाध नहीं कहंदा, उहदी याद रखी है। मैं आने वाले समय दे विच आप अगले मार्च दे विच मैं भी उस बच्चे नूं बधाई देऊंगा, उहदी बरसी करूंगा। वैसे उम्मीद मैनूं इह सी भी वो मेरी बरसी करूंगा, पर हालात इदां दे आ जो तुस भावा नानका साही गल चंगी, जो अकाल पुरख दा हुक्म उस तों बिना पत्ता भी नहीं हलदा वीरो। सो अगले मार्च के विच आपां दुबारा फिर इकट्ठे होवांगे किते। फिर भी जे सरकार ने कोई अपनी गल ना सुनी, जिवें ओह लद्दी खड़ी है। धन्नवाद, जिउंदे रहो। तुहाडे ते मेरियां आसां ने। और जिवें दीप दी लद्दी खड़ी है वीरो, मैं भी तैयार कर ली। आपां लोकां कोले जावांगे, इत्थों दे हालात दसांगे भी जे पुत बचाने हैं तो सानू कोई ना कोई हीला वसीला करना पऊगा। रही जिंदगी जे एक दो जाना भी हो जिया बचा के, मैं समझूंगा मैं कौम दे किसी परिवार दे काम आया। क्योंकि एक व्यक्ति हुंदा कमांडर, आप हर एक का कह देंगे। एक कमांडर वो होंगे जिहदे नाल 100 परिवार होर भी वरते। तुसीं कल्ला सिद्धू दे जाण नाल मैनूं तां जो घाटा पिया जिहड़े उत्थे वीडियो म्यूजिक डायरैक्टर ड्राइवर घट्टो घट्ट 100-150 फैमिली जिहड़ी आ उदों प्रभावित होई आ। वो उन्हां दे ठूठे च लत्त बची है। किसी वो गोलियां चलाउण लगे, तुसीं चंद रुपइयां दी खातर इह तां देख लिया करो। मैं सारी संगत नूं सिर तो पग ला के भी उदों यही बेनती करी सी भी मैं थोड़ा कर्जदार हाँ। वो तुसीं जिन्ना मैं दीप सिद्धू नूं विदा करन वेले थोड़ा कट वेख्या, लगदा सी हले इंसानियत हैगी है। जिद्दां मेरे बच्चे दा संस्कार सी 35 किलोमीटर दे विच जाम लग्या होया सी, उदे तो मैं अपने आप नूं थोड़े समर्पित करता सी। जिहे जा जिन्नी जोगा जिते कम आ गया मैं हाजिर। होर मैं कोई बहुता बड़ा बंदा नहीं वीरो, मैं तो 5-7 किले वाला आम जिमीदार सी। 50 साल मेरी माँ की स्ट्रगल करती दी उम्र लंघ गई। 50-55 का मैं हो गया सी, तां जाके एक बच्चा परवान चढ़िया सी। और जेड़ा जिहदे मौत के कारण का मैनूं अज तक पता ही नहीं लग रहा भी मेरा मारिया क्यों गया। मैं तो यही गल कही सी, जे तुहानूं चंगे लगदे आ इन्हां नूं छड्ड दिओ, छड्ड दिओ, मैं थोड़ी गल मन लूंगा। पर मैंने इक्को गल दस दिओ भी मेरा मार काहतों दिता। वो इहो जिहा किहड़ा काम करदा सी भी जिहड़ा तुहानूं चंगा नहीं लगदा। उन्हें तां धी भैण दे खिलाफ कोई गाणा नहीं गाया। उन्हें तां थोड़ी पग नूं, थोड़ी मां बोली नूं न्यूजीलैंड दे परले पासे टापू ने छोटे छोटे गोरियां दे उत्थों तक थोड़े क्लबां 'च गाणे वज्जण लाते पग दे। यूएसए दी कोई इहो जिहियां स्टेटां जिथे जिथे अज तक कदे पंजाबी गाणा नहीं वज्जिया सीगा, उत्थे तुहाडी बोली पहुंच कि उस चीज़ का सर्टिफिकेट है ये। सो वीरो थोड़ी सेहत अलाउ नहीं करती, मेरी हाजरी प्रवान करो। कोई शब्द किसी को फिर भी ना चंगा लग्या हो, हाथ जोड़ के संगत माफ करने योग है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आखो वाहिगुरू जी का खालसा। जिन्नियां भी संगतां दूर दराडे तो चल के आईयां, उन्हां दा एक एक कदम सिर मथे धन्नवाद। सारियां संगतां दा जिहड़ियां हरियाणे तो चल के राजस्थान तो चल के इत्थे पहुंचियां, उस योधे नूं याद कीता। सारियां संगतां दा धन्नवाद, उन्हां वीरां दा भी धन्नवाद जिहड़े इस कारज विच जिन्हां ने सहयोग कीता, चाहे वो विदेशां च ने चाहे इत्थे ने। सारिआं दा धन्नवाद, खालसा एड दा धन्नवाद, ढाडी जथिआं दा, दल पंथ दा, कवीशरां दा, स्टेज सैक्टरी दा, होर भी जिन्ने भी साडे बुलारे पहुंचे आ उन्हां सारिआं दा धन्नवाद। माफ़ी भी चाहुंदे आ जिन्होंने सभा नहीं मिलिया जा कुछ भुल्लां होईयां उन्हां दी माफ़ी भी मंगदे हां। एक बारी फिर वारिस पंजाब दी जथेबंदी वल्लों दीप सिद्धू परिवार वल्लों दीप सिद्धू ट्रस्ट वल्लों सारियां आईयां होईयां संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गज गज करे जावे निहाल हो जावे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हरनेक सिंह जी फौजी होने दा बलवंत सिंह जी। जिस दिन आते गलियां जरूर दिता गया है, इसको बाद इसलिए लोग बदल चाहते थे, असली बदल तक दे नहीं पाए क्योंकि समा भी बहुत घट सी। हो सकता है साढ़े को ना दीप जाता ना संदीप जाता ना सिद्धू मूसे वाला, क्योंकि बड़ी मुश्किल बड़ी देर के बाद जाके कुछ गीत करके लोग जो पैदा जिन्होंने क्रांतियां लिया जिन्हें बदलाव लिया। मैं किताब देख लिया हूँ लगभग